हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनीति इनिशिएटिव और जानो ऐप द्वारा आयोजित इस वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप अपने आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप किस तरह करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाने के लिए आपको सबसे पहले सर्च ऑप्शन में UIDAI ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जो सरकार द्वारा निर्धारित वेबसाइट है आधार कार्ड के लिए। और इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से दिखने वाला एक पेज होगा, जहां पर आपको सेकंड ऑप्शन यानी कि अपडेट आधार में सब ऑप्शन यानी कि अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अपडेट डेमोग्राफिक डाटा ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं इस पेज पर रीडायरेक्ट हो गई हूँ। यहाँ पर मैं प्रोसीड टू अपडेट आधार ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर, अपना वेरिफिकेशन कोड जो है वो सबमिट करूँगी और सेंड OTP पर क्लिक कर दूँगी। और सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर जो मेरे पास OTP आया होगा उसको मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने अपना OTP जो है वो मेंशन कर दिया है और मैं फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट डेमोग्राफिक डाटा ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी। और डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ आपके पास एक ही अटेम्प्ट होता है अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी। यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी चीज़ें कितनी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप कितनी बार चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपना कंफर्मेशन देख करके प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगी। प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो मेरी करंट डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में, वो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है। और जो मैं चेंज करना चाहती हूँ डेट ऑफ बर्थ, वो यहाँ पर मैं एंटर द डिटेल्स वाले ऑप्शन में क्लिक करूँगी और कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं ईयर सेलेक्ट करूँगी, मंथ सेलेक्ट करूँगी और डेट सेलेक्ट करूँगी एज पर माई प्रेफरेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर डेट चेंज कर रही हूँ। उसके बाद मुझे एक वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जैसे कि पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय ग्रुप एंड गैजेट ऑफिसर ऑन लेटर हेड, पैन कार्ड इत्यादि जो मेरे पास आइडेंटिटी प्रूफ है उसमें से कुछ भी एक चीज़ सबमिट कर सकती हूँ। यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस, मैं आपके लिए यहाँ पर पैन कार्ड सबमिट करना चाहूँगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं पैन कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगी। ये मैंने पैन कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद जो मेरा पैन कार्ड है उसकी कॉपी जो है वो सबमिट हो गई है यहाँ पर। और अब मैं डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दूंगी। याद रहे कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसकी जो फॉर्मेट है वो JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसकी जो साइज है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना पैन कार्ड सबमिट कर दिया है और ये मैंने प्रीव्यू यानी कि मैं जो डिटेल्स मैंने चेंज करी हैं उसके ऑप्शन क्या मैंने चेंजेस किए हैं वो देखने के लिए मैं प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। प्रीव्यू ऑप्शन में मैं अपने जो डिटेल्स चेंज किए हैं वो चेक करूँगी और जो वेरिफिकेशन कोड है उसको मैं यहाँ पर सबमिट कर दूँगी और सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी। जो OTP मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया है उसे मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी और कंफर्म करूँगी और फिर मैं मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मुझे 50 रुपीज़ का बेसिक चार्ज जो है वो सबमिट करना होगा, जिसके लिए मैं क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे कोई भी एक सुविधा के थ्रू पेमेंट कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन यूज़ करूँगी और अपनी बेसिक कार्ड डिटेल्स सबमिट कर दूँगी।
और जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते ही ये मैंने आपके लिए पेमेंट कर दी है। पेमेंट करते ही ये मैंने सबमिट का ऑप्शन क्लिक किया और ये जो मेरी ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो गई है। ये उसके कंफर्मेशन मेरे पास आ चुका है। यहाँ पर एक URL नंबर आप देख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नंबर आपको फ्यूचर रेफरेंस में काफ़ी हेल्प करेगा अपनी डिटेल्स चेक करने के लिए, तो इसको मैं बड़ा संभाल के रखना चाहूँगी। और साथ ही आप चाहें तो आप इस ट्रांजेक्शन रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। और डाउनलोड करते ही मेरे पास कुछ इस तरह दिखने वाला एक पेज है, जहां पर मेरी कंप्लीट एक्नॉलेजमेंट स्लिप है जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि मेरी जो अपडेट है वो कर दी गई है। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारी वीडियोज़ जो स्वनिधि इनिशिएटिव और जानो ऐप द्वारा आयोजित है। धन्यवाद।